हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन नंबर 7 रबी की फसलों के रोग पार्ट नंबर 5। इसमें आज का रोग अपना जौ का आवृत कंडे रोग यानी कि कवर्ड स्मट ऑफ बेरले, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कई दोस्तों कमेंट्स आते हैं कि सर एग्रीकल्चर बायोलॉजी की वीडियो अपलोड कीजिए, तो उन्हें बताना चाहूँगा अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हो मैंने लगभग 30 वीडियो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के उपलब्ध करवा दिए हैं, उन्हें देख सकते हैं या चैनल प्ले लिस्ट में भी आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वह जो कावृत कंड, इससे पहले चार रोगों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन अगला जो रोग है जो कावृत कंड यानी कि कवर्ड स्मट ऑफ बेरली, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो का आवृत कंड रोग एक मुख्य रोग होता है। इस रोग का जो प्रकोप है ना, वह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ भागों में अधिक होता है। इस रोग को कान्ही, बंद कंडुआ, डखावा कंडुआ आदि नामों से भी जाना जाता है। इस रोग के कारण फसल को औसतन अगर अपन देखें तो लगभग 2.5% तक क्या होती है, हानि होती है। कितनी हानि होती है? 2.5%। तो देखिए, वैसे तो यह रोग क्या है कि सर्वव्यापी माना गया, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र अपन देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उन भागों में ये क्या होता है, अधिक होता है। और इसके अन्य नाम देखिए, एक तो कान्ही, बंद कंडुआ, डकावा कंडुआ आदि नामों से भी अपन इसे जान सकते हैं। और इसके कारण औसतन जो हानि होती है वह कितनी होती है? 2.5% होती है। लक्षण इस अगर इस रोग के देखें अपन, तो इस रोग का प्रथम लक्षण पौधों में बालियां निकलने पर पता चलता है, यानी कि पादपों से जब बालियां बाहर निकलती हैं तो उस समय अपने को लक्षण का पता चलता है, जब दानों के स्थान पर कंडपुंज का क्या होता है, निर्माण होता है। कंडपुंज अपन कह सकते हैं कि बालियां जो होती है उसमें ब्लैक कलर की जली हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर अपने को इस रोग का पता चलता है। तो देखिए, पौधों की जो रोगी बालियां होती है ना, वह काली व जली जैसी दिखाई देती है, यानी काले रंग की होगी, जैसे वह जल चुकी है वैसी दिखाई देगी। और प्रत्येक अंडाशय सघन कंड बीजाणु समूह से क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय सघन कंड बीजाणु समूह से भरे रहते हैं। बाली के सभी दाने सोरस या कंड बीजाणु पुंजों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित है, हो जाते हैं। ये इसके मुख्य लक्षण है, होते हैं। ये कंड पुंज पतली मजबूत झिल्ली एवं तूसों के जो अवशेष होते हैं ना, उनसे क्या होते हैं, ढके हुए रहते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, आवृत कंड कहते हैं। आवृत यानी ढका हुआ, आवरण युक्त कंड, उसे अपन आवृत कंड कहते हैं। देखिए डायग्राम में भी यह रोग प्रकट हो रहा है। यहाँ पर अपन देखें तो ये जो बालियां होती है ये जली हुई सी दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर अपने को इनका दिखाई दे रहा है। फिर आगे अपन देखेंगे कि पुंज में जो भरे हुए कंड होते हैं, पुंज में भरे कंड बीजाणु एक प्रकार के वसा युक्त पदार्थ की उपस्थिति के कारण आपस में चिपके रहते हैं। पुंज में भरे जो कंड बीजाणु एक प्रकार के वसा युक्त पदार्थ की उपस्थिति के कारण आपस में चिपके रहते हैं, और सुखों को छोड़कर पुष्पों के सभी भाग कंड बीजाणुओं में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। एवं पुंज की झिल्ली खलियान में गहराई के समय टूट जाती है, परिवर्तित हो जाते हैं। पुंज की जो अपन मानते हैं कि झिल्ली खलियान में जब गहाई की क्रिया होती है उस समय टूट जाती है, वह कंड बीजाणु बिखर कर क्या होते हैं कि स्वस्थ बीजों पर क्या हो जाते हैं, चिपके जाते हैं। इसका अगर रोगजनक देखें ना दोस्तों, तो रोगजनक कौन सा होता है, ओस्टिलेगो होल्डाई। रोगजनक क्या है, ऑस्टिलेगो होल्डाई अपन कहते हैं, इसका रोगजनक माना गया। रोगजनक के जो कंड बीजाणु होते हैं वह गोलाकार से दीर्घ वृत्तीय मोटी भित्ति युक्त तथा एक कोशिकीय चिकने होते हैं। रोगजनक की विशेषता क्या होती है,
कि इनके जो कंड बीजाणु होते हैं ना, वो एक तो गोलाकार होंगे, दूसरे दीर्घवृत्तीय होंगे, मोटी भित्ति युक्त होंगे और एक कोशी के चिकने होते हैं। ये समूह में गहरे भूरे रंग से काले रंग के समूह में होते हैं, दिखने पर गहरे भूरे रंग से काले रंग के दिखाई देते हैं और अकेले में अगर इन्हें देखें तो हल्के भूरे रंग के क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये ध्यान में रखना अपने को, जब ये सम्मिलित रूप से समूह में होंगे तो भूरे रंग से काले रंग के दिखाई देते हैं, अकेले में देखे तो हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। नमी की उपस्थिति में अंकुरित तो होकर तीन पटयुक्त ये क्या करते हैं, प्राकवक तंतु, तीन पटयुक्त प्राक कवक युक्त तंतु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो चार कोशिकाओं में विभक्त होकर प्रत्येक खंड पर बीजाणु के बनाते हैं। बीजाणु गुणन कर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं तथा संक्रमण को फैलाते हैं। जो बीजाणु होते हैं ना, वह गुणन कर अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और संक्रमण को फैलाने का कार्य करते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसके रोग चक्र की, तो रोग चक्र के बारे में देखिए डिजीज साइकिल की, खलियान में जब स्वस्थ बीज के साथ कंडयुक्त बीजों की बुआई की जाती है, बुआई की जाती है तो बीजाणु जो इन स्वस्थ बीजों पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। यानी कि जब अपन बीज बोते हैं उसी समय जो बीजाणु होंगे वह स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं, इसीलिए यह बाह्य बीजोड़ रोग भी कहलाता है। बाह्य बीजोड़ रोग होता है जब संदूषित बीजों को बोया जाता है ना, तो कंड बीजाणु अंकुरित तो होकर एक चार कोशिकीय प्राक कवक तंतु को उत्पन्न करते हैं, जिस पर विपरीत आवेश के जो बीजाणु होते हैं वह इनका निर्माण होता है। विपरीत आवेश के अपन कहेंगे बीजाणु का क्या होगा, निर्माण होता है। इन बीजाणु के अंकुरण होने से क्या बनती है, एक जनन नलिका बनती है। बीजाणुओं के अंकुरित होने से एक जनक नलिका बनती है, जनन नलिका तथा विपरीत उद्भव के जनन नलिकाएं आपस में मिलकर एक द्विकेंद्रीय संक्रमण सूत्र बनाते हैं, जो पौधे के अंकुरित होते बीज के प्रांकुर को संक्रमित करते हैं। यानी कि जो द्विकेंद्रीय संक्रमण सूत्र बनता है ना, वह क्या करता है, पौधे के अंकुरित होते बीज के प्रांकुर को संक्रमित करते हैं तथा उसकी वृद्धि के साथ साथ बढ़ता भी रहता है। अंडाशय में जाकर शाखित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड एक कंड बीजाणु में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जो पुनः स्वस्थ बीजों की गहाई करने पर उन्हें क्या करता है, संक्रमित करने का कार्य करता है। ये इसका अपन देखते हैं रोग चक्र होता है। अब बात करते हैं इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट। तो प्रबंधन में अपने को पता है सबसे पहले कौन आता है, अपने सस्य प्रबंधन आता है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए बीजाणु का चयन ऐसी खेत की फसल से करना चाहिए जो रोग मुक्त हो। यानी कि जब अपन बीज का चयन कर रहे हैं ना, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए अपन जो बीज ले रहे हैं उस खेत में रोग तो नहीं था, रोगी पौधे तो नहीं थे, स्वस्थ खेत के स्वस्थ पौधों का ही अपने को क्या करना चाहिए, बीज चयन करना चाहिए। दूसरी बात है कि संक्रमित पौधों की जो बाली है तो किसी कागज या लिफाफे में ढककर पौधों को उखाड़ देना चाहिए। संक्रमित पौधों की बाली को किसी कागज या लिफाफे में ढककर पौधों को उखाड़ देना चाहिए तथा इसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। फिर बात करते हैं जैविक प्रबंधन की दोस्तों, तो जैविक प्रबंधन में देखो क्या होता है इसके अंदर, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। यानी जो प्रतिरोधी किस्म है जैसे C163 असंक्रमणीय किस्म होती है, BJ13, 14, 24, 26, 28, 29, BJ309, 144 को उगाया जाना चाहिए। ये अपन कहते हैं इनकी प्रतिरोधी किस्म होती है, इनका चुनाव करना चाहिए। ये बायोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि जैविक प्रबंधन होता है। फिर रासायनिक प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो बीजों को सर्वांगी जो कवकनाशी होता है ना, जिसे ऑक्सीकार्बोक्सीन या कार्बोक्सीन की 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से क्या करना चाहिए, उपचारित करके रोग प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये था इनका अपन रासायनिक प्रबंधन कह सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा रोग था
तो ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया, इसके नोट्स अच्छे प्रकार से लिखिए और याद कीजिए। इसके पश्चात जो अगला रोग है ना, वह है अपना सरसों का सफ़ेद रोली रोग। तो इसके बारे में देखेंगे अपन अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इस नोट्स को अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए, याद कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।